प्रणाम, मैं हूं देवांशु। आज हम आए हैं पटना के बेउर जेल इलाके में, जहां पर आपके लिए एक जबरदस्त गार्डनिंग का वीडियो बनाने जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बहुत ही अच्छी गार्डनिंग जो है वो की गई है, और इस गार्डन में फूल के साथ साथ सब्जियों के पौधे भी बहुत से दिख रहे हैं। और ये गार्डन जो है इनका है, क्या नाम हुआ आपका? राजमती इनका नाम हुआ। सबसे पहले अपना गार्डन घुमा दीजिए और ये बता दीजिए कौन कौन से पौधे आपने लगा रखे हैं। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है टिकोमा, ये उड़हुल है, ये भी उड़हुल है, ये पूरा उड़हुल का है, और ये है स्नेक चंपा। स्नेक चंपा है? हाँ। और वो सब पीछे रंगन, वो रंगन है, उड़हुल है, कामनी है। उड़हुल से आपको खूब लगाव है? नहीं, बहुत हाँ। सारे वैरायटीज दिख रहे हैं। हाँ, लाल, पीला, पिंक, अलमंडा है वहाँ पे। हाँ, देख सकते हैं उड़हुल की कई वैरायटीज हैं। अलमंडा कौन सा है? अलमंडा उधर है, और ये तो रंगन है बड़ा साइज का। ये किस चीज का है? ये फाइकस है, बस सो प्लांट ना। हाँ, सो प्लांट। ये सब बस इंडोर प्लांट, घर के बाहर साज सज्जा के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। तो चलिए, ये जो है वो मुख्य जो गेट है ना, उसके बाहर जो जगह है वहाँ पर ये सब प्लांट्स जो हैं वो आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं इनके फ्लावर वाले गार्डन में चलेंगे। कब से कर रही हैं आंटी गार्डनिंग? तो ऐसे बहुत मतलब शौक बहुत पहले सा था, लेकिन जगह कहीं नहीं मिला था, ट्रांसफरेबल जॉब था इनका। क्या करते थे आप? अंकल रिटायर्ड हो गए। क्या करते थे आप? पुलिस सर्विस में डीएसपी थे। डीएसपी थे? डीएसपी साहब का ये घर है, रिटायर्ड करके कभी भी कार्य में है? नहीं, रिटायर्ड कर गए, रिटायर नहीं, हम बीआरएस लिए और महादलित आयोग के मेंबर भी रहे। महादलित आयोग आयोग के मेंबर भी थे। तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन सोशल एक्टिविटीज में हूँ, ह्यूमन राइट्स पर काम करता हूँ। और आपकी वाइफ इस तरह के गार्डनिंग करती हैं? हाँ, इनको बहुत शौक है, बहुत बहुत पहले शुरू से ही। हाँ, ये बहुत इनको शौक है, फूल पत्ती जितना भी लगाती है सुबह में मेहनत करती है, बतलाएगी वो कितना सुबह में मेहनत करती है। और चलिए आंटी, अब हम यहाँ से घूमते हैं। ये सब क्या है सब बता दीजिए। ये भी उड़हुल का ही है, उड़हुल टिकोमा है, आई सब देख रहे हैं, बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया रंगन का बहुत सारा पौधा लगाया हुआ है, वो है उधर है, वहाँ पे है। बोगनवेलिया देख सकते हैं कितना अच्छा खिला हुआ ना आंटी। रंगन, बोगनवेलिया और उड़हुल, लगता है ये तीनों आपका फेवरेट है। ये यहाँ भी देखिए, ये रंगन है बड़ा। ये क्या है? ये कॉस्मस है, नाम भूल रहा हूँ, ये गर्मियों में ही खिलते हैं। कुचिया। हाँ, कुचिया। ये उड़हुल इधर। हाँ, ये तो जमीन पे है ना, तो खूब खिलते होंगे उड़हुल। हाँ, हाँ। ये दस बजिया पूरा है ना? हाँ, ये सब दस बजिया। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो दस बजिया है। चलिए, रंगन बहुत है आपके पास ना? रंगन भी है। तो कैसे लगा आपको ये गार्डनिंग का ये सब शौक? वो बचपन से ही शौक था, बोले जगह नहीं था इसलिए हम नहीं कर पाते थे। जब यहाँ अपना घर बनाया, पहले भी करते थे, दो चार दस गो गमला रखते थे, कभी डालिया लगा दिए, कभी दस बजिया लगा दिए, ऐसे करके। लेकिन यहाँ जब प्रॉपर ही में आ गए तो जगह अच्छा मिला, किचन गार्डन का भी शौक था, वही लगाने। हाँ, और ये धीरे धीरे बढ़ते चले गए। बेली, ये बेली है ना? हाँ, बेली है, अलमंडा है, गुलाब का सबसे ज़्यादा हमको शौक। गुलाब का? हाँ, और दिख भी रहा है, गर्मियों में भी खिले हुए हैं गुलाब सब। इधर भी है पूरा। हाँ, इधर भी है। हाँ, ये सब है ना गुलाब। सूरजमुखी भी है ना पूरा? सूरजमुखी बहुत। हाँ, अरे इसको हम लगाते नहीं हैं, हर साल अपने निकल देते। अच्छा, खरीद उसको बढ़िया से सेट कर देते हैं, जनी तनी निकल जाता है तो। चलिए, स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गुलाब के पौधे, कई वैरायटीज जो हैं इनके पास हैं। और सूरजमुखी के बारे में बता रही, लगाती नहीं है अपना? हाँ, बीज झड़ता है और फिर निकल जाता है, टाइम पर निकल जाता है। चिड़ियों की चर्चाहट भी बहुत रहती होगी सूरजमुखी? सुबह सुबह ये सूरजमुखी तोता आता है, आती है सब खाने के लिए। तोता? हाँ, तोता को पसंद है, मुझे एक दो जगह और भी। वो बैठ के नहीं खाती है, उसको काट के लेके चल जाती है। अच्छा, इसको फूल को ही काट लेती है? नहीं, जो फूल खत्म हो गया है। अच्छा, ये तो उसमें जिसमें बीज बन जाता है ना। हाँ, हाँ, उसको काट के ले जाती है। अच्छा, काट के लेके चली जाती है। हाँ। वाह, ये देखिए ऊपर वाला बोगनवेलिया, बाप रे बाप, शानदार है। मिट्टी में अगर आपने बोगनवेलिया लगाया हो ना, तो इसी तरीके से बड़ा जो है हो गया। 22 साल हो गया, हम आए थे उसी टाइम लगाए। अच्छा, कब आई थी ये घर में? हम 2001 में आए। अच्छा, 2001। हाँ।
और उसके बगल में पेंसिल वाला पाम लगा हुआ है। हाँ, लगा दिए हैं और पूरा हो गया है बड़ा। एक इसमें छोटा है तो यूँ गमला में है इसलिए नहीं बड़ा है। हाँ, लेकिन उसको जमीन में लगा दिए हैं तो देखिए। हाँ, और फिर ये है आपका गुलफ्रोस, दो कलर है ये। चलिए, स्क्रीन पर आप सूरजमुखी देख रहे हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ेंगे। और ये सब क्या है? ये सब फूल है, ये इसको लीली ही बोलते हैं। हाँ, अभी खिलता है। प्रॉपर इसका नाम हमको नहीं पता, लेकिन इसको हम लाए थे सिलीगुड़ी से। और इसका जब फूल खिलता है ना तो इतना खूबसूरत फूल इसका होता है। हाँ, बहुत सारा स्टिक देखिए अभी निकल रहा है, इसी टाइम निकल रहा है, इसी थोड़ा दिन बाद लगता है। हाँ, 10-15 दिन बाद। हाँ, अडेनियम भी है। हाँ, अडेनियम। चलिए, अडेनियम, वो अडेनियम करीब 35 साल का। कौन, ये वाला? हाँ, बड़ा वाला। अच्छा, ये बता रही है कि ये 35 साल पुराना अडेनियम का पेड़ है, सिंगल पेटल इसे बोलते हैं। हाँ, और कई पौधे जो है खुद से लगता है कि बनाई है ना? नहीं, इसको खरीदे हैं, सब खरीदे हैं। हाँ, कुछ बनाए हैं, ये जो पकड़े हुए उसको हम बनाए हैं। अच्छा, ये आप बनाई हुई है ना? हाँ, चलिए, बहुत सारा है। उधर भी देखिए अभी निकल रहा है फूल, वो भी मेरा अपना किया हुआ। हाँ, कुछ कुछ बनाया हुआ है, कुछ कुछ खरीदा हुआ है। हाँ, कुछ कुछ खरीदा हुआ, कुछ कुछ खरीदा हुआ। एक वहाँ देखिए वो बॉल है। हाँ, वो भी 35 साल पुराना। हाँ, वो वाला पाम बोलते हैं हम, लिलियम, लिलियम करके कुछ है। हाँ, इसका। चलिए, ये देखिए इतना बड़ा ये जो है उसका बल्ब है नीचे। ये पाम की ही एक वैरायटी होती है, देखिए मैं हिला देता हूँ, देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत लग रहा है। बेसिकली गर्मियों में भी फूल जो है इनके यहाँ खूब जो है। मेरे यहाँ सालों भर फूल खिला रहता है, करीब करीब सालों भर। मतलब मौसम का असर नहीं पड़ता है फूलों पर? इतना अलग अलग वैरायटीज के आपने हाँ, लगा रखे हैं। ककड़ी देखिए फरा हुआ है वहाँ, ककड़ी। हाँ, अच्छा, उधर भी है, भिंडी है, ककड़ी। चलिए, हम सब्जी वाला कर लेंगे एक आध, लेकिन फिलहाल अब इधर चलते हैं। फूल, फूल कॉस्मोस इधर भी, ये भी अभी लगाए हैं। हाँ, अभी छोटा में ही खिलने लगा है। हाँ, और इसका पौधा बड़ा होगा। हाँ, चलिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको फूलों के पौधे जो हैं सुंदर सुंदर दिख रहे होंगे। और कैसे ये लोग सिर्फ पानी देती हैं, खाद में खाद डाले थे, बीच में कभी जरूरत पड़ता है तब डालते हैं, नहीं तो ऐसे पानी डेली डालते हैं। पानी ही डेली डालते हैं। और इधर किचन गार्डन है आपका छोटा। हाँ, सा ना, इसका किचन। क्या क्या हुआ है अभी? अब तो भिंडी तो दिख रहा है हमको, तो भिंडी है। हाँ, कद्दू अभी है, फला नहीं है। हाँ, ककड़ी है। हाँ, ककड़ी है ना। हाँ, ये खुलता है ना? हाँ, खुलता है। हाँ, मत जाइए, लगता है पानी पटा दिया है। हाँ, भींग जाएगा ना वो, नीचे गीला हो जाएगा। चलिए, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं तो कि भिंडी जो है वो बहुत सारे हो गए हैं और हार्वेस्ट करने को तैयार। थोड़ा थोड़ा तोड़ती रहती होंगी ना भिंडी? हाँ, पानी डाल दिया है तो उसमें जाएंगे तो पूरा मिट्टी लग जाएगा। हाँ, मतलब ककड़ी देख रहा है, दो तीन को दिखाई दे रहा है। हाँ, ककड़ी तो मुझे उस साइड भी दिखाई दिया। करेला है ये, इसमें क्या देती है? मतलब तो केमिकल तो देती है इसमें? वही केमिकल कुछ नहीं, ये वर्मी कम्पोस्ट डाले हुए हैं। सबसे जो अच्छा लग रहा है ना ये मुझे, ये क्या कहते हैं, बैगन का पौधा। बहुत सारे बैगन जो हैं वो अभी भी हुए हुए हैं। तो किचन गार्डनिंग के साथ साथ फ्लावर की गार्डनिंग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं। हैं, और सभी तरह के फ्लावर जो है इनके पास हैं, समर वाले हैं और विंटर वाले हैं, हालांकि वो खिले हुए नहीं हैं। तो अब जो सबसे मुख्य आकर्षण जो है यहाँ पे, आंटी आ जाइए ना इधर, देखिए ना बैगन वाले पौधे में मुझे दिख रहा है एक साथ कई पौधे जो हैं वो दिख रहे हैं। कितना पुराना है ये पेड़, क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है हमको। 2-2.5 साल से ऊपर हो गया इसका। हाँ, ये जमीन में है ना? नहीं, ये अथी में है, मछली वाला जो। अरे वाह, उसमें इतना बड़ा हो गया। देखिए ये थोड़ा ताजुब वाला बात है। देखिए, कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं, ये मछली वाला जो गत्ता है ना उसी में हुआ। मुझे लगा था शुरुआती दौर में कि ये जमीन में हुआ है, जमीन में नहीं है। लेकिन ये जमीन में नहीं हुआ है, उसी में इतना बड़ा, 3 साल पुराना। और लगता है कि अभी भी, मुझे लगता है ना कि 2.5 से 3 किलो। आपने सुना है कि ऐसा होता है कि पुराना? सुने सुने है ना, लेकिन आपका वो नहीं है, नहीं टेस्टी आता है इसलिए आपने रखा हुआ है। नहीं, ये ककड़ी है ना, देखिए। हाँ, ककड़ी। मैं तो इसे तोड़ ही देता हूँ, थोड़ा तोड़ लीजिए, इससे बड़ा वाला तोड़ लीजिए। कहाँ है बड़ा वाला? यहाँ पे है। चलिए, बड़ा वाला ककड़ी हम तोड़ते हैं। ये जो है ना अरबी का है, थोड़ा सा ये दिखा देते हैं, थोड़ा। हाँ, अरबी का पौधा, इसके नीचे जो है जमीन के अंदर अरबी होती है। इधर आप देख सकते हैं अमरूद जो है वो है, छोटे छोटे हैं अभी अमरूद। ये करेली का पौधा है,
और साथ में और भी कुछ दिख रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले अब जो है वो ककड़ी को हार्वेस्ट करूंगा। कहाँ पर आपने देखा आंटी ककड़ी बड़ा वाला? उससे बड़ा है। अच्छा, उससे बड़ा है, ये देखिए। चलिए आप देखिए ककड़ी हम हार्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे आपने दिखा है? हमको नहीं दिख रहा, बहुत अंदर है। चलिए, नहीं अंदर नहीं है। अरे हाँ, ये बड़े वाला ककड़ी है, देखिए। तो अब हम इस वीडियो के आखिरी में पहुंच चुके हैं, बताइए कितना मजा आता है आपको गार्डनिंग करके? ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुबह उठते हैं 6 बजे से 8 बजे तक मेरा इसी में बीतता है। अभी गर्मी के टाइम में और ठंडा के टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। क्यों ठंडा में क्यों ज़्यादा टाइम देते हैं? अभी गर्मी लगने लगता है, धूप निकलता है तो गर्मी। हाँ। वो नींबू है, बहुत बहुत फला हुआ। अच्छा, वो आम का भी है ना? हाँ। कौन सा आम है वो? पता नहीं, अपने से लग गया है। और कम से कम एक आम 800-900 ग्राम का होता है। और ये सब गुलदाबरी भी रखे हुए हैं ठंड में सब? हाँ, लगाने के लिए इसी में से कटिंग करके फिर लगाएंगे। हाँ। इनको तो मेरे लिए शब्द नहीं है कि इनको मैं धन्यवाद दूँ या क्या कहूँ। हाँ, बस यही कि बहुत अच्छा करती है। मैं सुबह में उठता हूँ तो इसे देख करके, हरे भरे फूल पत्तियों को देख करके मुझे एनर्जी मिलता है, और मैं महसूस करता हूँ कि नहीं, बहुत बहुत एनर्जी महसूस करता हूँ। आपने कब आप मदद करते हैं इनकी कि नहीं करते हैं? देखिए, हमसे मदद लेती ही नहीं है। हमको वो, मैं जब करने जाता हूँ तो कहती है नहीं नहीं आप छोड़िए ना, मैं कर देता हूँ, आपसे खराब हो जाएगा। ये स्थिति नहीं, नहीं, पानी उनी डालने के लिए बोलते हैं, पानी उनी डाल देते जब हैं। नहीं रहता है ये लोग सर्वेंट साहब, तब डाल देते हैं। आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड गार्डनिंग का वीडियो दिखाया, टेरेस गार्डनिंग का वीडियो अक्सर दिखाता रहता हूँ, लेकिन जिनके पास जगह है छत पर ही तो है ही, जिसके पास जगह नीचे हों ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं वो भी इस तरीके से गार्डनिंग जो है वो भरपूर जो है वो करते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।